हेलो बच्चा लोग वेलकम टू द एडवांस प्रॉब्लम सीरीज ये अपना क्वेश्चन नंबर फाइव है ग्रेविटेशन का एंड ट्रस्ट मी इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे एंड इट इज़ अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना एक से ज़्यादा इसमें ऑप्शन सही है ठीक है तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं सवाल में हमारे पास क्या दिया है ये अपना अर्थ है और टू आर रेडियस पे टू आर रेडियस पे एक सर्कुलर ऑर्बिट में आपके पास दो सैटेलाइट है ठीक है एक सैटेलाइट है जिसका मास टू एम है राइट विथ ऑर्बिटल स्पीड यू लेकिन गलती से जो दूसरा सैटेलाइट है राइट दूसरा सैटेलाइट को भी इसी ऑर्बिट में डाल दिया गया है ठीक है और इसका जो सेंस ऑफ मोशन है इसके अपोजिट है विच मीन्स ये आपको एंटी क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है और ये आपको क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस डायग्राम में ठीक है तो इवेंचुअली ये दोनों आपस में यहीं पे कहीं कोलाइट करेगा एंड द कोलिजन इज इन इलास्टिक ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट आफ्टर द कोलिजन द पाथ इज एलिप्टिकल द कंबाइंड मास हिट द अर्थ सर्फेस एट सम एंगल द कंबाइंड मास डज नॉट हिट द अर्थ सर्फेस एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज दिस मच और फोर्थ ऑप्शन है इफ रेडियस ऑफ अर्थ वर टूअर बाई सेवेंटीन विथ इट्स मास बींग सेम द कंबाइंड मास वुड जस्ट ग्रेज द अर्थ सर्फेस ठीक है ओके तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज़ करते हैं कोलिजन के बाद इस कंबाइंड इस कंबाइंड मास का स्पीड कितना होगा ठीक है तो उसके लिए हमें कोलिजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये आपका इनिशियल सिचुएशन है डायग्राम फॉर जस्ट बिफोर कोलिजन एंड दिस इज सिनारी ऑफ जस्ट आफ्टर कोलिजन ठीक है इलास्टिक है तो दोनों कंबाइंड सिस्टम की तरह मूव करेगा मान लेते इसका स्पीड भी है अगर आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो इनिशियल मोमेंटम इज हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी टू एम यू माइनस एम यू ठीक है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था और यहाँ पे आपका हो जाएगा मोमेंटम थ्री एम वी ठीक तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है दैट वी इज नथिंग बट यू बाई थ्री ठीक एक और बात ये यू है कितना ये यू आपका ऑर्बिटल स्पीड है ना अगर कोई भी पार्टिकल आपका टू आर रेडियस पे सर्कुलर पाथ पे है तो ये यू का फॉर्मूला कितना हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट GM by distance डिस्टेंस फ्रॉम center ऑफ अर्थ which इज़ 2R. तो ये U भी हमें पता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो V का फॉर्मूला है दैट इज़ वन by थ्री अंडर रूट GM divided डिवाइडेड 2R. अब आप एक बात को समझिए ये जो वेलोसिटी है ये जो वेलोसिटी है दिस is इज लेस the orbital स्पीड ठीक है और आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर इसका स्पीड इस 2r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रहने के लिए जो स्पीड चाहिए विच इज़ यू उससे कम है देन द पाथ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एलिप्टिकल द पाथ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एलिप्टिकल कुछ इस तरीके का एलिप्टिकल पाथ लेगा ये कंबाइंड मास सिस्टम ठीक है इस तरीके के ऑरेंज ट्रैक पे यह मूव करने वाला है लेकिन यहां पे भी अब दो पॉसिबल सिनारियोज हैं, दो पॉसिबल सिनारियो है एक सिनारियो तो यह है दैट इट इज नॉट गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विद दी अर्थ सर्फेस ठीक है ये अर्थ के साथ टकराएगा नहीं इस तरीके से अपना इलेप्टिकल पाथ पे घूमता रहेगा और दूसरा सिनारियो ये है दूसरा सिनारियो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये अर्थ के साथ टकरा जाए ध्यान से देखिए इस तरीके से ये आपका अर्थ के साथ यहीं पर टकरा जाए एट दिस पॉइंट ठीक है तो दो पॉसिबल सिनारियों और इसी दो पॉसिबल सिनारियों को लेकर हमारे पास वहाँ पर दो ऑप्शन भी थे ठीक है ना हाउ टू स्टडी हाउ टू चेक वेदर ये अर्थ के साथ कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा है ना चलिए देखते हैं ये हमारे पास दो पॉसिबल सिनारियो है एक पॉसिबल सिनारियो ये है जहाँ पे हमने कहा कि ये अर्थ के साथ शायद नहीं कोलाइड किया और दूसरा पॉसिबल सिनारियो है जहाँ पे ये अर्थ के साथ कोलाइड कर गया ठीक है वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट दैट दिस वी इज इक्वल टू दिस स्पीड ठीक अब देखिए अगर वो अर्थ के साथ कोलाइड नहीं करता है तो आर वन का वैल्यू शुड बी मोर देन कैपिटल आर और अगर वो अर्थ के साथ कोलाइड कर रहा है इसका मतलब आर वन जो है दिस शुड बी लेस देन कैपिटल आर यहाँ पे आर वन क्या है आर वन इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस पॉइंट ऑफ द एलिप्स ठीक है ओके okay. तो हमें बस ये चेक करना है कि R1 की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है या कम है ज्यादा है मतलब नहीं कोलाइड किया है कम है इसका मतलब कोलाइड किया है एज सिंपल एज इट इज राइट सो लेटस गो एंड चेक कि कोलाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यह अपने पास एक सिनारियो है हम यहाँ पे R1 की वैल्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं ओके okay. तो एक क्वेश्चन तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट सी सेंटर ऑफ द अर्थ ठीक है तो यह आपका मास ऑफ द पार्टिकल है सो थ्री एम वी मल्टीप्लाइड बाई टू आर ठीक है एम बी आर होता है ना सो थ्री एम इंटू वी इंटू टू आर और जब आपका यही सेटेलाइट यहाँ पे है कंबाइंड मास जब यहाँ पे है तो थ्री एम वी वन मल्टीप्लाइड बाई आर वन ठीक तो यहाँ से यहाँ से हम कह सकते हैं ये थ्री एम थ्री एम तो आपका कैंसिल हो गया देन दिस वी वन इज इक्वल टू दिस इज योर आर डिवाइडेड बाई आर वन ठीक है तो ये अपना हो गया वैल्यू ऑफ वी वन अब आ जाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे ठीक है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी को कंजर्व करते हैं तो यहां पे आपका एनर्जी कितना है दिस इज योर हाफ एम वी स्क्वे माइनस पोटेंशियल एनर्जी विच इजी एम एम मास ऑफ अर्थ है जी एम इन टू थ्री एम डिवाइडेड बाई सेपरेशन सेंटर टू सेंटर विच इज टू आर इज इक्वल टू इस पॉइंट पे कनेटिक एनर्जी इज हाफ थ्री एम वी वन स्क्वायर माइनस जी एम थ्री एम डिवाइडेड बाई आर वन ठीक अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम इस थ्री एम को थ्री एम मास को तो कैंसिल कर देते हैं राइट right? अच्छा दिस इज योर हाफ v को हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं वन बाई थ्री अंडर रूट जी एम बाई टू आर लेकिन यहाँ पे वी स्क्वायर है तो आप जब वी स्क्वायर पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपको वन बाई नाइन जी एम डिवाइडेड बाई टू इन टू आर माइनस दिस इज योर जी एम डिवाइडेड बाई टू आर इज इक्वल टू हाफ वी वन स्क्वायर यानी इस पूरे टर्म का स्क्वायर तो यहाँ पे टू का स्क्वायर हो जाएगा आपको फोर वी का स्क्वायर यानी ये वाला टर्म का स्क्वायर विच इज वन बाई नाइन जी एम डिवाइडेड बाई टू आर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर अपॉन आर वन का होल स्क्वायर तो ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर वन माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर वन ठीक तो आपका जी एम जी एम हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास यहां पे भी टू है टू इंटू टू फोर इस वाले फोर को कैंसिल कर देगा ये एक आर है यहाँ पे एक टू है ये खत्म तो आपके पास क्या बच रहा है लेफ्ट साइड में आपके पास है दिस इज वन बाई थर्टी सिक्स आर माइनस वन बाई टू आर इज इक्वल टू यहाँ पर अपने पास है वन बाई नाइन दिस इज आर अपॉन आर वन स्क्वायर तो कैपिटल आर अपॉन नाइन आर वन स्क्वायर माइनस वन बाई आर वन ठीक तो यहाँ पर अपने पास क्या है दिस इज योर थर्टी सिक्स आर तो यह अपने पास हो जाएगा वन माइनस एटीन विच इज़ माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू यहाँ पे आप नाइन आर वन स्क्वायर को एलसीयम ले लो दिस इज कैपिटल आर माइनस नाइन आर वन है ना तो ये नाइन और इस थर्टी सिक्स को आप कट करके फोर लिख दोगे सो दिस बिकम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस सेवनटीन आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स आर इन टू स्मॉल आर वन ओके सब टर्म को राइट साइड ले जाइए ये हो गया आपको सेवनटीन आर वन स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स आर आर वन प्लस फोर आर स्क्वायर तो ये अपना बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेवनटीन आर वन स्क्र माइनस दिस विल बी थर्टी फोर आर आर वन माइनस टू आर आर वन प्लस फोर आर स्क्वायर ठीक तो दिस बिकम्स ये आपको आ जाएगा सेवनटीन आर वन माइनस टू इन टू आर ब्राकेट ब्राकेट आर वन माइनस आर ठीक तो यहां से आपको आर वन की दो वैल्यूज निकल के आ रही है एक हो जाएगा टू आर या फिर एक हो जाएगा टू आर बाई सेवनटीन ओके अब आप एक बात को समझिए आर वन की दो वैल्यूज है लेकिन टू आर पॉसिबल नहीं है आर वन अगर टू आर के बराबर है इसका मतलब ये पाथ सर्कुलर था ये पाथ सर्कुलर था विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस स्पीड इज लेस देन ऑर्बिटल स्पीड है कि नहीं सर्कुलर ऑर्बिट में जो स्पीड चाहिए उससे कम है तो पाथ तो इलेप्टिकल है विच मींस दिस स्मॉल आर वन हैज टू बी लेस देन टू आर तो ये तो रिजेक्ट हो गया इसका मतलब आर वन की वैल्यू इतनी है आर वन इज इक्वल टू टू आर बाई सेवेंटीन एंड सिंस ये वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है इसका मतलब पाथ ऐसा नहीं है पाथ कुछ इस तरीके का होगा कि ये जाएगा और कहीं पे तो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा अर्थ के साथ है ना ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगा एलिप्स आपका कुछ इस तरीके का होने वाला है और हमने जो ये टू आर बाई सेवनटीन निकाला है तो ये है आपका वो टू आर बाई सेवनटीन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है टू आर बाई सेवनटीन ठीक है तो एक बात तो क्लियर हो गया है कि कोलाइड करेगा अर्थ के साथ ये कोलाइड करेगा ठीक अब आपको अगर ध्यान में हो तो वन ऑफ वन ऑफ कि अगर आपका अर्थ का रेडियस ही टू आर बाई सेवेंटीन होता कीपिंग द मास कॉन्स्टेंट तो कंबाइंड मास जस्ट अर्थ के सर्फेस को ग्रेस करता हुआ निकल जाएगा विच मींस दैट ऑप्शन इज ट्रू ट्रू है ना सवाल में क्या कह रहा है कि अगर हमारा अर्थ का रेडियस ही इतना है टू आर बाई सेवेंटीन के बराबर है अगर आपका अर्थ ये ब्लू ना हो के ये वाइट वाला होता विथ रेडियस ऑफ टू आर बाई सेवनटीन तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंबाइंड मास अर्थ के सरफेस को बस ग्रेस करता हुआ यूँ निकल जाएगा इसका मतलब वो वाला ऑप्शन सही था तो अभी तक हमने दो ऑप्शन देखा है कि सही है एक तो पाथ एलिप्टिकल है ऑफ द कम्बाइंड मास दूसरा दूसरा कि अगर अर्थ का रेडियस टू आर बाई सेवनटीन है तो कंबाइंड मास जस्ट उसको ग्रेस करता हुआ निकल जाएगा ठीक है तो ये दो तो सही है राइट अच्छा अब हमें ये सॉल्व करना होगा कि अच्छा टकराया गुड लेकिन कितने एंगल पे टकराया वॉट इज़ दिस एंगल थीटा विद दी हॉरिजोंटल यहाँ पे एक हॉरिजोंटल बनाइए यानी कि टैंजन खींचिए तो एंगल थीटा कितना है हमें अब ये सॉल्व करना होगा ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कि कितने एंगल पे टकराया होगा तो ये होगा आपका एक्चुअल फिगर ये हो गया आपका एक्चुअल फिगर कि कंबाइंड मास वीस स्पीड से यहाँ से निकल रहा है और वो इलेप्टिकल पाथ लेते हुए अर्थ के सर्फेस से यहाँ पे कहीं टकरा गया ठीक है मान लेते हैं कि जस्ट कोलाइड करने से पहले कंबाइंड मास का जो वेलोसिटी है वो वी टू है वो वी टू है हमें सॉल्व क्या करना है हमें एंगल थीटा निकालना है इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल बनाइए यानी कि कुछ इस तरीके से एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं लेट मी मेक इट मच बेटर ठीक है ये हमने लाइन बना दिया ओके वेल डन है ना और ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर तो हमें ये एंगल थीटा पूछा जा रहा है व्हाट इज दिस एंगल थीटा ये एंगल थीटा कितना है ठीक अच्छा अगेन वी हैव टू गो फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन ठीक है ये आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट अच्छा आप जब एंगुलर मोमेंटम आप जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखेंगे तो यहां पे लिखना आसान है ठीक है यहां पे थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा ये हो गया आपको रेडियस वेक्टर ठीक है ये आपको हो गया रेडियस वेक्टर डिस्टेंस जो है ये आपको कैपिटल है, आर है ना तो हम जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे चलिए स्टार्ट करते लिखना इनिशियली एंगुलर मोमेंटम इज थ्री एम वी मल्टीप्लाइड बाई टू आर दिस इज इक्वल टू इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम है ना अब आपको प्रॉपर आर क्रॉस पी करना होगा विच इज आर क्रॉस पी में आर पी साइन थीटा ठीक है दिस इज बेसिकली आर पी साइन थीटा आर की जगह आप कैपिटल आर ही लिखोगे पी की जगह आप थ्री एम इन टू वी टू लिखोगे और यहाँ आप लिखोगे साइन थीटा वे थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है तो एंगल क्या लेंगे एंगल ध्यान से देखिएगा आप लुक यर वेरी वेरी केयरफुली दिस एंगल अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा है ना और ये एंगल तो है ही नाइन्टी डिग्री ये आपका रेडियस वेक्टर है दिस वाइट लाइन इज टेंजेंट तो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो ये साइन थीटा में थीटा हो जाएगा आपको 90 प्लस थीटा दिस इज 90 प्लस थीटा साइन के अंदर जो एंगल होता है दैट इज एंगल बिटवीन रेडियस वैक्टर एंड बेलोस्टी वैक्टर जो कि थीटा प्लस नाइन्टी डिग्री है तो यहां से हमको क्या क्या दिख रहा है ध्यान से देखिए ये आपका थ्री और थ्री खत्म आर से आपका आर खत्म ठीक है तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है टू इन टू वी है और राइट right साइड में हमारे पास uh, v2 है और थीटा है दिस इज v2 cos कॉस थीटा ओके सो हमें यहां से v2 निकल के आ गया v2 टू इज बेसिकली और टू वी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ग्रेट नाउ लेट अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दिस पॉइंट ये आपका इनिशियल है एंड दिस पॉइंट जस्ट बिफोर कोलाइडिंग ठीक है तो शुरुआत में आपके पास काइनेटिक एनर्जी है विच इज गिवन बाई हाफ एम वी स्क्वायर है ना और वेलोसिटी स्क्वायर का मतलब है इस वाले टर्म का स्क्वायर तो डायरेक्टली ही लिख देते हैं दिस इज गोइंग टू बी वन बाई नाइन जी एम डिवाइडेड बाई टू आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी सो जी एम थ्री एम डिवाइडेड बाई टू इन टू आर टू आर इज इक्वल टू इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी टू और वी टू का मतलब है इस वाले टर्म का स्क्वायर यानी कि फोर बाई कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो इसी टर्म का स्क्वायर फिर से लिखना होगा वन बाई नाइन जी एम डिवाइडेड बाई टू इन टू आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी एम इंटू थ्री एम डिवाइडेड बाई आर क्योंकि अब आर ही डिस्टेंस है इनके बीच का ठीक है अब ध्यान से देखिए तो ये थ्री एम ये वाला जी एम ठीक है ये पूरा टर्म थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा ठीक है एट द सेम टाइम इवन ये आर भी आपका कैंसिल है आर भी कैंसिल है अच्छा ये वाला टू ये वाला टू मिलके इस वाले फोर को कट कर देगा है ना तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है दिस इज़ वन बाई नाइन वन बाई टू और वन बाई टू तो ये आपके पास वन बाई थर्टी सिक्स है माइनस वन बाई टू है इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास वन बाई नाइन और वन बाई कॉ स्क्वाटा है सो वन बाई नाइन कॉ स्क्वाटा माइनस यहाँ पे आपके पास सिर्फ माइनस वन है ओके सो ये आपका हो गया वन बाई नाइन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन को वहाँ ले चलेंगे अगर अपने तो माइनस वन और ये माइनस हाफ है तो माइनस वन वहाँ जाके हाफ बन जाएगा टोटल सो हाफ प्लस वन बाई थर्टी सिक्स दिस इज एम्प्लाईज वन बाई नाइन कॉस स्क्टा इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एल सी एम ले लीजिए ये हो गया आपको एटीन प्लस वन ये नाइन इसको कट करेगा तो ये फोर हो जाएगा और यहाँ से आपको आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर बाई नाइनटीन यानी कि कॉस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट नाइनटीन सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू बाई अंडर रूट नाइनटीन एंड दिस वॉज वन ऑफ योर ऑप्शन कि कंबाइंड मास कोलाइड करेगा एट एन एंगल कॉस इनवर्स टू अपॉन अंडर रूट नाइनटीन राइट सो आई होप आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन एकदम डिटेल में समझ में आया है नहीं समझा है थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसको दोबारा वन uh, पॉइंट फाइव एक्स टू एक्स स्पीड पर भगा के देख सकते हैं ठीक है सो इफ वी फाइनली टेक ऑल दस जो जो सही है तो ये वाला ऑप्शन सही था ये ऑप्शन सही है कंबाइंड मास डज नॉट हिट ये तो गलत है एंड इफ रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर दिस मच ये ऑप्शन भी सही है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी एंड डी ठीक चलिए हम लोग मिलते रहेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स में तब तक के लिए टेक केयर बाय